us about a very interesting chapter, that is the fish tail of class 5, okay, maths. तो इस चैप्टर में हम लोग समरी डिस्कस करेंगे. तो बिफोर आई डिस्कस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके. सो फर्स्ट, वॉट 1 crore इज इक्वल टू 100 lakh, ओके, एंड देर आर 7 zeros इन इट. जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर 7 zeros, सो इन 1 crore देर इज 100 lakh एंड देर आर 7 zeros प्रेजेंट आफ्टर 1, ठीक है. 1 crore मतलब क्या होता है, 100 lakh, एंड this have 7 zeros in it. Then next, 1 lakh, okay. So 1 lakh, in 1 lakh means 100,000, and there are 5 zeros in it. And so 1 crore mein 7 zeros and 1 lakh mein 5 zeros, ye bahut zyada important hai. And then 1 meter is equal to 100 centimeter, okay. And then length of a shark is 18 meter, okay. Length of a shark is 18 meter, and then 1 meter is equal to 100 centimeter. बहुत ज़्यादा important है, यही सब fact है, और बाकी तो poem वगैरह है, ठीक है. And question answer मैं next section में discuss करूँगी, ठीक है. So and then what do you mean by trawlers, okay? Trawlers क्या होती है? So trawlers is a very big machine boat, okay? Trawlers are what? A very big machine boat. एक बहुत बड़ा एक machine बोट होता है, दैट इज ट्रॉलर. एंड फिफ्थ इज व्हाट, व्हेन अ फिश इज ड्राइड इट्स वेट इज रिड्यूस टू 1/3, ओके. जब हम फिश को ड्राई करते हैं तो इसकी वेट कितनी रिड्यूस हो जाती है, 1/3 रिड्यूस हो जाती है. एंड 3 kg बिकम्स व्हाट, 1 kg. कैसे, 3/3 हो जाएगा, ठीक है. 1/3 है ना, तो 3/3 एंड यू विल गेट 1 kg. सो इन व्हेन द फिश इज ड्राइड इट्स वेट इज रिड्यूस टू 1/3, ओके. And if the weight is 3 kg, it will become 1 kg. अगर 3 kg है मछली का वेट, तो क्या हो जाएगा, अगर मछली को सुखाया जाए तो इट विल बी 1 kg. ओके, आई होप गाइज अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू. गिवन इन योर चैप्टर, दैट इज द फिश टेल, ओके. क्वेश्चन आंसर जो NCERT बुक में गिवन है उनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले क्या है कि एट वॉट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंगफिश, कौन सा प्राइस में फजीला ने किंगफिश को सेल किया, कितना प्राइस में, ओके. तो फर्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ 8 kg किंगफिश का गिवन है, दैट इज ₹1200, ओके. तो इससे क्या करोगे, 1 kg किंगफिश को कैसे निकालोगे, 1200 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट ₹150, ओके. सो फ्लोर अम्मा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी, ओके. तो ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले प्राइस निकालोगे 1 kg प्रॉन का, दैट इज़ गिवन 150, देन 10 kg प्रॉन का निकालोगे, 10 × मल्टीप्लाई करोगे 150 से, तो यू विल गेट 1500, ओके. थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है, ग्रेसी ने 6 kg स्वॉट फिश सोल्ड, शी सोल्ड, ओके. मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी, व्हाट एज ग्रेसी, हाउ मेनी kg ऑफ, अच्छा तो पहले क्या करोगे, हाउ मेनी kg ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल, ओके. तो इसका क्या हो जाएगा, पहले आप निकालोगे, कॉस्ट निकालोगे 1 kg स्वॉट फिश का कितना, 60, ओके. एंड देन क्या करोगे, ग्रेसी ने शी अर्नड ऑन सेलिंग 6 kg स्वॉट फिश कितना, 660, तो इसका हो जाएगा ₹360. एंड मिनी का अर्निंग कितना था, 360, ठीक है. देन क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सार्डिन क्या हो जाएगा, ₹40 पर kg, ठीक है. यस, सो देन यहीं से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है. देन क्वांटिटी ऑफ सार्डिन सोल्ड फॉर ₹360 कितना है, 9 kg हो जा रहा, तो यस 360 को 40 से आप डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट 9 kg, ठीक है. तो 9 kg इज़ योर आंसर. एंड देन क्या, बशीर हैज़ 100 rupees एंड ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन आई कितना, 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑफ द मनी, ओके. हाउ मेनी किलोग्राम्स, फोर्थ का कैसे बनाओगे, डिड यू बाय, सो फोर्थ का होगा, सॉरी, यस, हाउ मेनी केजीज ऑफ स्क्विड डिड यू बाय,
सोल्यूशन वी हैव 1/4 ऑफ रुपीज़ 100 का कितना 100/4 यू विल गेट 0.25 एंड 3/4 ऑफ रुपीज़ 100 क्या हो जाएगा 100/4 इंटू 3 यू विल गेट 253 एंड दैट इज़ 0.75। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्क्विड क्या हो जाएगा 50 पर के जी एंड फॉर रुपीज़ 25 क्वान्टिटी ऑफ स्क्विड ब्रॉट हाफ के जी। ठीक है, हाफ ऑफ रुपीज़ 50 इज़ रुपीज़ 50। कॉस्ट ऑफ प्रॉन्स क्या है 150 पर के जी। यहाँ पे ईजिली सोल्यूशन गिवन है, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे डिफ़िकल्टी लग रही है या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रहा, तो आप क्या करोगे यहाँ से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो यू विल गेट आंसर हाफ के जी। ओके, वुमेंस मीनकर बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनकर बैंक में मीटिंग हुआ एंड दे हैज जस्ट बिगन। फजीला क्या थी, प्रेजेंट थी बैंक में, प्रेसिडेंट थी। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन व्हाट बैंक। ईच सेव्स रुपीज़ 25 एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। ओके, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, कितना मनी कलेक्ट कर रहा है एक महीने में, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। तो कितना कलेक्ट कर रहा है ईच मेंबर, 25 पर मंथ, मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स पर मंथ 2025 एंड दैट इज़ व्हाट 500। ठीक है, एंड मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन 10 इयर्स क्या हो जाएगा 1012 इंटू 500, जितना 20 मेंबर्स पर मंथ कमा रहा। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट व्हाट 60,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 4,000 टू बाय अ नेट, शी पेड बैक रुपीज़ 345 एवरी मंथ, डिड शी पे बैक टू द बैंक। तो इसका हो जाएगा, इतना लोन लिया कितना 4,000 नेट खरीदने के लिए। ठीक है, पेड बैक कितना की 345 एवरी मंथ। ठीक है, तो कितना उसको पे करना होगा बैंक को, तो पहले लोन कितना लिया था 4,000, अमाउंट पेड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 345 पर मंथ फॉर 1 ईयर, वॉट कितना 34512, तो दैट इज 4140। ठीक है, तो ग्रेसी पेड बैक टू द बैंक इज 4140। ठीक है, नेक्स्ट, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ रुपीज 21,000 टू बाय अ लॉन्ग बोट, दे पेड बैक अ टोटल ऑफ रुपीज 23520 इन 1 मंथ, राइट। सो हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, तो पहले क्या होगा, अमाउंट लोगे 1 ईयर का, दैट इज़ 12 मंथ्स। ठीक है, कितना हो जाएगा अमाउंट 23250, देन क्या करोगे, अमाउंट पेड बैक एवरी मंथ इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1960। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का यही आंसर। ओके, या सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज विजिबल, दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस दैट। ओके, ये वाला मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये वाला आप देख के नोट डाउन कर लो। एंड क्वान्टिटी ऑफ ड्राइड फिश ऑब्टेन इन 1 मंथ 2000 kg। ओके, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो, इट इज़ फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश, वी इसका आंसर देख लो, वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट 2। ओके, सो इफ़ वी ड्राई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा, इट्स बेटर कि आप आंसर देख लो। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, ठीक है, ये है सॉल्यूशन, देखो। ये है सॉल्यूशन, देखो। ओके, टोटल मंथली कॉस्ट
आई होप गाइस समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन. ओके सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशन. तो इफ़ यू एंजॉय माई टीचिंग देन प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. ओके एंड थैंक यू. टेक केयर.